नमस्कार। मिलेट्स यानी मोटा अनाज घासों का एक समूह है जिसके छोटे और पोषक बीज होते हैं। यह विश्व की सबसे प्राचीन कृषि उपजों में एक है। मानवता की प्राचीन पुस्तक वेदों में मिलेट्स का वर्णन है, जैसे अणु छोटे बीज, प्रियंगु स्वादिष्ट महीन अनाज और श्यामक हल्का धान। कहा जाए तो यह हजारों साल से भारतीय आहार में शामिल है। इसके अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग नाम हैं, जैसे बाजरा, ज्वार, रागी, कूटू और समा। भारतीयों ने मिलेट्स से स्वास्थ्य लाभ का अनुसंधान किया था। सुश्रुत संहिता, जो 600 ईसा वर्ष पूर्व का चिकित्सा ग्रंथ है, उसमें इसका क्षुधान्य वर्ग के अनाजों के रूप में वर्णन है। आधुनिक चिकित्सा में भी मिलेट्स पर किए गए शोधों में इन्हें ग्लूटन से मुक्त, श्रेष्ठ माइक्रो पोषक तत्वों से युक्त और कम ग्लाइसिमिक इंडेक्स के कारण अन्य अनाजों की अपेक्षा अधिक स्वास्थ्यवर्धक और पोषक पाया गया है। आज भी भारत मोटे अनाजों का शीर्ष विश्व उत्पादक है, जिसकी 2023 में अनुमानित उपज 13,210 किलो टन है। भारत भी कई देशों में से एक है जहां मिलेट्स एक प्रमुख खाद्य फसल है। हमें मिलेट्स की लगभग 150 किस्में होने पर गर्व है। यह ध्यान देने योग्य है कि वर्ष 2023 को भारत सरकार की पहल पर संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स वर्ष घोषित किया गया था। भारत सरकार ने 2023 में मोटे अनाजों के उत्पादन और खपत में वृद्धि और जागरूकता पैदा करने के लिए एक जन आंदोलन को हरी झंडी दिखाई। पिछले एक वर्ष में SSB ने बल और आम नागरिक के बीच छोटे दाने वाले मिलेट्स की खपत को बढ़ावा दिया है। यह पाठ्यक्रम इस ज्ञान का समर्थन करने और प्रचार करने का एक प्रयास है कि लोग छोटे दाने वाले मिलेट्स के नियमित उपयोग से स्वास्थ्य की संपत्ति प्राप्त कर सकते हैं। हम अपने शिक्षार्थियों को मिलेट्स की कुछ किस्मों से परिचित कराएंगे और एक अर्हता प्राप्त आहार विशेषज्ञ के साथ इसके स्वास्थ्य पहलुओं पर चर्चा भी करेंगे। यह पाठ्यक्रम मिलेट्स के उपभोग के बारे में सामान्य धारणा में शंकाओं को भी दूर करेगा, क्योंकि तथाकथित आधुनिक विकास की गति में कई लोगों ने मिलेट्स के उपयोग को छोड़ दिया है। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर श्री धान्य पर इस पाठ्यक्रम में SSB आपका स्वागत करता है, जो आपके स्वास्थ्य लाभ, किफायती लागत और कम कार्बन फुटप्रिंट को ध्यान में रखते हुए सही में धन के दाने कहलाने योग्य है। Discourse we learn about millets. This course will cover history, nutritional profile, types, their recipes, health benefits, environmental effects, global productions of millets, and seminar on millets and its uses. This course is created by the Telecom Training Center SSB Kusumti, a premier institute for imparting training in telecommunication and information technology. This course is supervised by the Capacity Building Unit, Training Directorate, FHQ, SSB, New Delhi, the apex body for planning and executing training activities for SSB personnel. Millets, the nutritional powerhouses. Millets और उसके प्रकार। इस मॉड्यूल के अंतर्गत हम मिलेट्स और उसके इतिहास के बारे में, पोषाहार की रूपरेखा के बारे में, उससे बनाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के व्यंजन एवं उसके फायदे के बारे में समझेंगे। सबसे पहले हम मिलेट्स के इतिहास के बारे में समझते हैं। मिलेट्स की खेती हजारों वर्षों से की जा रही है। इसके उपयोग के प्रमाण प्राचीन सभ्यताओं से मिलते हैं। प्राचीन काल में अफ्रीका, एशिया और अमेरिका सहित दुनिया के कई हिस्सों में मिलेट्स मुख्य भोजन थे। मिलेट्स ने इन प्रारंभिक समाजों को बनाए रखने, जीविका का एक विश्वसनीय और पौष्टिक स्रोत प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अब मिलेट्स क्या है
इसके बारे में समझते हैं। मिलेट्स एक प्रकार का मोटा अनाज होता है जो चावल और जौ के समान होता है, लेकिन अन्य अनाजों की तुलना में इसमें अधिक पोषण और स्वास्थ्य लाभ होता है। मिलेट्स की खेती बड़े पैमानों पर की जाती है, खास तौर पर भारतीय उपमहाद्वीप में मिलेट्स की खेती की जाती है। मिलेट्स की कई किस्में हैं, जैसे कि ज्वार, बाजरा, रागी एवं अन्य खाने योग्य मिलेट्स। अब हम मिलेट्स की पोषण रूपरेखा के बारे में समझते हैं। मिलेट्स स्वस्थ आहार प्रदान करता है। मिलेट्स में एंटीऑक्सीडेंट, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, जिंक, मिनरल्स, विटामिन्स, प्रोटीन, फाइबर इत्यादि पाया जाता है। मिलेट्स एक संपूर्ण अनाज है जिसमें प्रत्येक प्रकार के अलग-अलग फाइबर पाए जाते हैं, जो कि मानव शरीर में ब्लड शुगर लिपिड को नियंत्रण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मिलेट्स कई प्रकार के होते हैं, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, ज्वार, बाजरा, रागी, मोरायो कुटकी, चना, कोदो इत्यादि। इस क्रम में सबसे पहले हम ज्वार के बारे में समझते हैं। ज्वार भारत का एक लोकप्रिय मिलेट्स है। इसका अक्सर रोटी, डोसा एवं चावल के रूप में उपयोग किया जाता है। यह फाइबर एवं प्रोटीन का एक अच्छा स्रोत है एवं ग्लूटेन मुक्त यह होता है, जिससे कि ग्लूटेन एलर्जी वाले लोग भी इसका सेवन कर सकते हैं। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं कि ज्वार का मसाला पराठा जो कि 15 मिनट में तैयार कर दिया जाता है और ज्वार का डोसा व्यंजन तैयार किया गया है। अब हम बाजरा के बारे में समझते हैं। उत्तर भारत में बाजरा की खेती बड़े पैमाने पर की जाती है। यह विटामिन बी, फोलेट और एंटीऑक्सीडेंट का एक अच्छा स्रोत है। यह अपने सूखा प्रतिरोधी गुणों के लिए जाना जाता है। यह अफ्रीका एवं एशिया की शुष्क भूमि में मुख्य भोजन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। बाजरे का उपयोग अक्सर रोटी, केक, लड्डू, दलिया के रूप में किया जाता है। अब हम रागी के बारे में समझते हैं। रागी को मंडुआ या नचनी के नाम से भी जाना जाता है। यह प्रोटीन और कैल्शियम का उच्च स्रोत माना जाता है। यह खास तौर पर दक्षिण भारत में पसंद किया जाता है। इससे डोसा, इडली, रोटी और खीर बनाया जाता है। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, रागी के द्वारा वर्ल्ड का सबसे स्वास्थ्यवर्धक डोसा और रागी की इडली तैयार की गई है। अब हम कुटकी के बारे में समझते हैं। यह प्रोसो बाजरा की एक प्रजाति है। इसमें मौजूद कार्बोहाइड्रेट, फाइबर, फेनोलिक कंपाउंड, एंटीऑक्सीडेंट इत्यादि सामग्री पाई जाती है तथा इससे
मधुमेह, कैंसर और मोटापा आदि जैसे विकारों को रोका जा सकता है। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, इससे उपमा और खिचड़ी इत्यादि बेहतरीन तरीके से बनाई जा सकती है। अब हम चेना के बारे में समझते हैं। प्रोसो मिलेट चेना के नाम से जाना जाता है। इसका उपयोग व्यापक रूप से किया जाता है। यह विटामिन, खनिज और प्रोटीन का एक अच्छा स्रोत है। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं कि प्रोसो मिलेट के द्वारा पिज्जा और ढोकला जैसे आधुनिक व्यंजन का भी निर्माण आसानी से किया जा सकता है। अब हम कोदो के बारे में समझते हैं। कोदो मिलेट्स फाइबर, आयरन और एंटीऑक्सीडेंट जैसे खनिजों से भरपूर होता है। कोदो मिलेट्स अस्थमा, माइग्रेन, रक्तचाप, दिल का दौरा और मधुमेह जैसे बीमारी के इलाज में काफी उपयोगी है। यह ऊंचाई वाले स्थानों पर पनपने की क्षमता के लिए भी जाना जाता है। इसकी खेती पर्वतीय क्षेत्रों में की जाती है। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं कि कोदो के द्वारा पुलाव, डोसा बेहतरीन तरीके से बनाया जा सकता है। अब हम भारत के मिलेट्समैन के बारे में चर्चा करेंगे। पद्मश्री से सम्मानित डॉक्टर खादर बली को भारत के मिलेटमैन के नाम से जाना जाता है। डॉक्टर खादर बली ने अपना जीवन मिलेट्स को पुनर्जीवित करने और बढ़ावा देने के लिए समर्पित कर दिया है। उनका दृष्टिकोण खेती के प्रति पारंपरिक और स्वदेशी तरीकों पर आधारित था। अब हम माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा 18 मार्च 2023 को नई दिल्ली में ग्लोबल मिलेट्स सम्मेलन के संबोधन को सुनेंगे। फ्रेंड्स, ग्लोबल मिलेट्स कॉन्फ्रेंस से जुड़े विदेशी अतिथियों को लाखों किसानों के सामने मैं आज एक जानकारी भी दोहराना चाहता हूं। मिलेट्स की ग्लोबल ब्रांडिंग, कॉमन ब्रांडिंग को देखते हुए भारत में मिलेट्स या मोटे अनाज को अब श्री अन्न की पहचान दी गई है। श्री अन्न केवल खेती या खाने तक सीमित नहीं है। जो लोग भारत की परंपराओं से परिचित है वो ये भी जानते हैं कि हमारे यहां किसी के आगे श्री ऐसे ही नहीं जुड़ता है। जहां श्री होती है वहां समृद्धि भी होती है और समग्रता भी होती है। श्री अन्न भी भारत में समग्र विकास का एक माध्यम बन रहा है। इसमें गांव भी जुड़ा है, गरीब भी जुड़ा है। श्री अन्न यानी देश के छोटे किसानों की समृद्धि का द्वार। श्री अन्न यानी देश के करोड़ों लोगों के पोषण का कर्णधार। श्री अन्न यानी
देश के आदिवासी समाज का सत्कार। ग्लोबल प्रोडक्शन ऑफ मिलेट्स एंड बेनिफिशियल फॉर हेल्थ एंड एनवायरनमेंट। इस मॉड्यूल में हम मिलेट्स के ग्लोबल प्रोडक्शन के बारे में, मिलेट्स के हेल्थ बेनिफिट्स के बारे में, मिलेट्स के बेनिफिशियल फॉर एनवायरनमेंट और मिलेट के इंक्लूसिव डेवलपमेंट के बारे में समझेंगे। ग्लोबल प्रोडक्शन ऑफ मिलेट्स। हमारा देश भारत विश्व में मिलेट्स उत्पादक देशों में सबसे आगे है। वर्ष 2023 के आंकड़ों के अनुसार हमारे देश में 1,09,10,000 टन मिलेट्स का उत्पादन हुआ, जो कि विश्व के कुल उत्पादन का 38% है। अब हम मिलेट्स के स्वास्थ्य लाभ के बारे में समझेंगे। अच्छे स्वस्थ जीवन के लिए मिलेट्स कई प्रकार के लाभदायक साबित हुए हैं, जैसे कि मिलेट्स की सेवन से पाचन तंत्र में सहायता मिलती है, वजन को नियंत्रित रखा जा सकता है, जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं। अगले स्वास्थ्य लाभ के क्रम में मिलेट्स के उपयोग से हृदय एवं ब्लड सर्कुलेशन में सहायता मिलती है। मिलेट्स मधुमेह के खतरे को भी कम करता है। इसके अलावा हम मिलेट्स से अन्य संभावित स्वास्थ्य लाभ के बारे में समझते हैं। मिलेट्स के सेवन से कैंसर सेल की वृद्धि में रुकावट आती है। मिलेट्स घाव भरने में मदद करते हैं। मिलेट्स के उपयोग से हड्डियां मजबूत होती हैं। मिलेट्स एंटी फंगल और रोगाणुरोधी गतिविधि का समर्थन करता है। अब हम मिलेट्स पर्यावरण के लिए कैसे लाभप्रद हैं, इसके बारे में समझेंगे। मिलेट्स पालतू जानवरों और कीटनाशकों के प्रति प्राकृतिक प्रतिरोध प्रदान करता है। इसमें चावल और गेहूं की तुलना में कम पानी की आवश्यकता होती है। वर्षा आधारित होने के कारण इन फसलों को अपने खेतों में खड़े पानी की आवश्यकता नहीं होती है। यह ग्रीन हाउस गैस के स्तर को भी नियंत्रित करता है। मिलेट्स का समावेशी विकास। मिलेट्स के महत्व को ध्यान में रखते हुए वर्ष 2023 अंतरराष्ट्रीय मिलेट्स वर्ष घोषित किया गया है, जिसका प्राथमिक उद्देश्य आम लोगों के बीच मिलेट्स के स्वास्थ्य लाभों के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। इंडियन ब्रांड एम्बेसडर ऑफ मिलेट्स। 27 वर्षीय श्रीमती लहरी बाई, जो कि मध्य प्रदेश के आदिवासी समाज से आती हैं, उन्हें माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा मिलेट का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, जिन्होंने अपने खर्च पर अपनी 2 कमरों की झोपड़ी में मिलेट्स की 150 स्थानीय किस्मों का संरक्षण किया है तथा गांव में किसानों को मिलेट्स की विभिन्न प्रकार के किस्मों के बारे में जानकारी देने एवं बढ़ावा देने के लिए मुफ्त में बीज का वितरण किया है। यहां तक कि प्रधानमंत्री ने लहरी बाई को 2023 में मिलेट्स का ब्रांड एम्बेसडर बनने पर सराहना की है। जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं कि राष्ट्रपति महोदया द्वारा लहरी बाई को भारत के मिलेट्स का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है और उससे संबंधित उनको प्रमाण पत्र दिया जा रहा है। मिलेट्स के हेल्थ बेनिफिट्स
पर एक व्याख्यान आयोजित किया गया जिसमें मुख्य वक्ता श्रीमती अंजना शर्मा, डायटिशियन दीनदयाल उपाध्याय जनरल हॉस्पिटल शिमला में पदस्थ हैं, उन्होंने मिलेट्स पर सभी बिंदियों एवं शंकाओं का निवारण किया। अतः अगले भाग में आयोजित व्याख्यान को सुनते हैं। आपके बीच आने की सबसे बड़ी खुशी मुझे यही है कि मैं आप सबके बीच में हूँ और थोड़ा सा न्यूट्रिशन से संबंधित जानकारी आप सबके साथ शेयर कर सकती हूँ। और जितने आप लोग यहाँ पर हैं, से 50 या 55 या 60 फैमिली से बात कर रही हूँ, ये जो आप जितना भी थोड़ा सा 5% 10% जो भी मिलेट्स आगे जाएगा तो आई थिंक कि काफी बेनिफिट होने वाले। एक 27 ईयर ओल्ड महिला है, ये मध्य प्रदेश की हैं और डिंडोरी से बिलोंग करती हैं। इनका नाम है लहरी बाई। तो आप लोग सुन के हैरान होंगे कि इन्होंने 150 वैरायटी मिलेट्स की जो है वो जिसको कह रहे हम बचा के रखी है। जो सीड्स आज मिलना मुश्किल है वो इनके पास है, इसलिए इनको इन्होंने ब्रांड एम्बेसडर बनाया मिलेट्स का। ठीक है जी, तो अब हम थोड़ा आगे और मूव करते हैं। तो तीन मेन मिलेट्स हैं जो हमारी डाइट में इंक्लूड होते हैं, एक ज्वार है, एक बाजरा है और एक रागी है। ठीक है जी, तो ये तीन हैं जो 40 साल पहले की बात करें तो हमारे जो पूर्वज थे ये अपनी डाइट में इंक्लूड करते थे और कई स्टेट में तो ये स्टेपल फूड रहा है। कुछ और होता नहीं था, एग्रीकल्चर में इतने ज्यादा प्रोग्रेस नहीं किया था कि इतना ज्यादा अनाज हमारे देश में पैदा हो, तो काफी पॉपुलेशन जो थी वो मिलेट्स के ऊपर निर्भर करती थी अपने भोजन के लिए। ये जो मिलेट या श्री अंकर जिसको हमने नाम दिया है, ये थ्रू आउट इंडिया ही नहीं पूरे वर्ल्ड में यूटिलाइज होता है। इसकी जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है सो रिच, बहुत ही उम्दा गुण है इसमें मिलेट्स में, तो पूरे वर्ल्ड में इसको यूटिलाइज किया जाता है। तो मेजर कुछ माइनर मिलेट्स भी हैं वो इतने ज्यादा जो है वो यूटिलाइज नहीं होते हैं, उनके बारे में हम ज्यादा फोकस नहीं करेंगे। देन हम आ जाते हैं इंडिविजुअल अकेले मिलेट जो आपके, तो इसकी न्यूट्रिटी वैल्यू थोड़ी सी देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या पोषण मौजूद है, इसके लेने से हमारे शरीर को क्या फायदा है। तो पहले तो है प्रोटीन। देखो हमारा जो थोड़ा सा मैं एक मिनट के लिए डेविएट हो रही हूँ, जो हमारी डाइट है ना, जो हम खाना खाते हैं, तो इसमें मेजर 4 न्यूट्रिएंट्स का मेन रोल होता है। पहला तो है एनर्जी, ठीक है ना, फिर प्रोटीन पे हम आते हैं, फैट पे आते हैं, कार्बोहाइड्रेट पे आते हैं, विटामिन्स एंड मिनरल्स पे आते हैं। तो इसमें देखा जाए तो प्रोटीन भी आप हमें मिल रहा है, मिनरल मिल रहे हैं, आयरन मिल रहा है, कैल्शियम मिल रहा है। इन सबकी थोड़ी थोड़ी मैं रोल बता देती हूँ। प्रोटीन बच्चों में, बढ़ते बच्चों में वृद्धि के लिए, ये मांसपेशियों के की वृद्धि में काम आता है, जैसे बच्चों की ग्रोथ होती है तो उसमें ये बहुत सहायता वर्धक होता है। फिर फाइबर है जो भोजन को पचाने का काम करता है, जिससे मतलब कि पाचन संबंधी समस्याएं खत्म होती है। देन मिनरल, मिनरल्स का अपना अलग एक रोल है, हमारी हड्डियों को मजबूत करता है। आयरन है, हमें एनर्जेटिक बनाता है, हमारे हम एनर्जी को यूटिलाइज कर पाते हैं अगर हमारी बॉडी में आयरन की, खून में आयरन की मात्रा जो है वो सही है। फिर कैल्शियम है, अगेन हमारी बोन हेल्थ को स्ट्रॉन्ग करता है, टीथ को स्ट्रॉन्ग करता है। देन हम इंडिविजुअल मिलेट्स के बारे में थोड़ा सा जान रहे हैं, तो फिर आ गया हमारे पास ज्वार। तो देखो अब ज्वार के बारे में थोड़ा सा जानेंगे कि हमारे स्वास्थ्य को कैसे बेनिफिशियल है ये, क्या क्या इससे हमें फायदे होते हैं। तो इसको ग्रेट मिलेट का नाम भी दिया गया है। क्यों? इसमें विटामिन्स, मिनरल्स एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं। ये वो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, जो बहुत ही सूक्ष्म मात्रा में हमारे शरीर में इनकी रिक्वायरमेंट रहती है, तो ये उससे भी भरपूर होता है। इसमें फाइबर, जो फाइबर की मैं बार बार बात कर रही हूँ, फाइबर इसमें 100 ग्राम में 1.73 ग्राम फाइबर मौजूद है जो कि पाचन क्रिया को सुचारू करता है। देन रिच इन प्रोटीन, जो प्रोटीन की पहले हमने बात की, प्रोटीन से एनर्जी भी मिलती है, सिंपल हमें मांसपेशियां नहीं हमारी बढ़ती, उनको स्ट्रॉन्गली करता, हमें ताकत भी देता है। देन ग्लूटेन फ्री, सब लोगों ने सुन रखा होगा या किसने ना भी सुना हो, कुछ एक तो जानते होंगे कि इस टाइम ग्लूटेन एलर्जी का बहुत मतलब कि
एक चल रहा है सिस्टम कि कुछ एक लोगों को ग्लूटेन एलर्जी हो जाती है, तो ग्लूटेन क्या है, वीट वेट टाइप की प्रोटीन होती है, तो कुछ एक का डाइजेस्टिव सिस्टम जो है उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाता है, तो थोड़ी सी हमें पाचन संबंधी समस्या हो जाती है जिनको इस तरह की समस्या रहती है। अगेंस्ट फ्री रेडिकल थोड़ी ऐसी टर्म्स हैं जो हम बॉडी की एजिंग करते हैं, है ना, हमारे जो वाइटल ऑर्गन्स हैं उनको एज करते हैं, उनकी एजिंग करते हैं, हमारी स्किन की भी एजिंग होती है साथ साथ, तो उसको फाइट करता है, तो हमारे जो बॉडी के वाइटल ऑर्गन्स हैं वो काफी यंग रहते हैं, काफी एनर्जेटिकली काम करते हैं, क्योंकि प्रॉपर सिस्टम में जैसे हमारा बॉडी का सिस्टम है प्रॉपर ढंग से काम करते हैं। देन डाइजेशन, मैंने पहले कहा डाइजेशन को इंप्रूव करता है, ब्लड शुगर लेवल को पर्सन डायबिटिक सुनने को मिलता है तो उसमें भी बहुत हेल्पफुल है, इंप्रूव्स हार्ट हेल्थ, जिसको कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है तो हार्ट हेल्थ हमारी कहां से खराब होती है, जब हमारी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल की लेवल जो है वो बढ़ जाता है, हमारी आर्टरीज नैरो हो जाती हैं, तो ब्लड फ्लो जो है वो प्रॉपर नहीं हो पाता है और वो निमंत्रण देता है, मैं कह सकती हूँ, हाई ब्लड प्रेशर को, जो काफी नुकसानदायक रहता है हमारे लिए, तो उसको भी इम्प्रूव करता है। एनर्जी लेवल, तो ये हमारा एनर्जी लेवल भी बनाए रखता है सस्टेन, इसकी डाइजेशन थोड़ी स्लो होती है तो एनर्जी भी स्लो स्लो रिलीज होती है, तो उससे हमारा एनर्जी लेवल भी मेंटेन रहता है, इमीडिएट एनर्जी मिली ऐसा फूड नहीं है और इमीडिएट वो खत्म हो गई, वैसा नहीं है, स्लोली, जैसे कुछ एक हमारे डॉक्टर्स लोग यहाँ बैठे हैं, कुछ एक मेडिसिन होती है जो सस्टेन रिलीज होती है, है ना, तो वो आहिस्ता आहिस्ता रिलीज होती है हमारे ब्लड में जैसे हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट होती है, सेम वे ये एनर्जी लेवल को भी वैसे ही मेंटेन रखता है। इट प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट मेलनोमा, तो क्या है, कैंसर के अगेंस्ट भी ये हमें बचाता है, थोड़ा सा इसका डेली अलाउंसिस का वो है तो उसके ऊपर मैं ज्यादा नहीं जाऊंगी, बहुत ही पर्टिकुलर हो जाएगा फिर इसमें कितना मिलीग्राम क्या है वो हमारा पर्पज नहीं है इस आज की जो टॉक है इसका। देन कंपैरिजन है, अगर हम कंपैरिजन देखें ज्वार में और वीट में तो ऑलमोस्ट सेम सेम हमें एनर्जी भी मिल रही है, एक चीज बहुत अच्छी इसमें हमें मिल रही है कि फाइबर बहुत अच्छे से मिल रहा है, ठीक है, आयरन भी है, और जो कि हमारी वीट में आयरन मतलब है ही नहीं, जबकि इसमें हमें मिनरल्स की जो बात की गई है तो जितने भी मिलेट्स हैं इनमें मिनरल्स सब में मिलेगा हमें, हम इसकी बात ही नहीं कर रहे हैं। देन उसके बाद हमारे बाजरा के ऊपर, ठीक है जी, तो बाजरा में भी वही प्रोटीन फाइबर मिनरल आयरन कैल्शियम वैसे ही है, तो उसी लेवल से जैसे हमने पहले डिस्कस किया उसी तरह से इसमें भी आपकी मेस में भी ये इंट्रोड्यूस हो चुके हैं मिलेट्स, और आप लोगों को मिल रहे होंगे किसी न किसी फॉर्म में, तो वही बात है, हाई प्रोटीन है, हाई फाइबर है, गुड फॉर डायबिटीज है, ग्लूटेन फ्री है, गुड फॉर हार्ट और लोअर कोलेस्ट्रॉल, सेम बेनिफिट्स। देन रिकमेंडेड डेली अलाउंसेस हैं कि हमें पर हर रोज कितना कितना चाहिए, फास्फोरस कितना चाहिए, जिंक, विटामिन, विटामिन बी वन, थायमिन, राइबोफ्लेविन, सारे प्रोटीन सबके रिकमेंडेड डेली अलाउंसेस हैं, तो साथ में दिया गया है कि जो आरडी होता है रिकमेंडेड डेली अलाउंसेस के हमने हर दिन कितना लेना है, कितना अलाउंस लेना है, जैसे हमें सैलरी में डीए मिलता है ना, तो वैसे खाने में हमारे न्यूट्रिएंट्स के भी अलाउंसेस हैं वो भी उतने मिलने चाहिए। दो दिमाग में आ रही होगी ये बात, छोटा सा क्वेश्चन मैं ही आपसे पूछ लेती हूँ कि हम वीट से क्यों कंपैरिजन कर रहे हैं इसका, एनीवन कोई इसका आंसर, क्योंकि हमारा यहाँ पे स्टेपल फूड है वीट और राइस, तो हम अगर इसको इंट्रोड्यूस हमने इसको अपनी डाइट में करना है तो हमें पता होना चाहिए कि जो हम वीट यूज कर रहे हैं खा रहे हैं तो अगर हम ये खाएंगे तो दोनों में कितना फर्क है, इन जो हम रोज ले रहे हैं उससे प्लस में ही जा रहा है क्योंकि इसमें काफी मिनरल्स भी हमें मिल रहे हैं, है ना, फाइबर मिल रहा है, तो इसलिए वीट्स के साथ इसका कंपैरिजन हो रहा है। फिर आगे हम रागी के ऊपर, थर्ड जो हमारा मिलेट्स है दैट इज रागी, इसका एक बात ये है कि जब हम ये मिलेट्स खाते हैं ना तो हमें बड़ी जल्दी भूख नहीं लगती है, अब आप लोग तो जवान लोग हो, है ना, इसमें आपका पूरा दिन आप लोग एक्टिव रहते हैं तो आपके साथ तो ये प्रॉब्लम नहीं है कि आपको वेट लॉस की तरफ जाना है, लेकिन जनरली हम फैमिली में सभी तो मिलिट्री या पैरामिलिट्री में नहीं है, बैठे काम किया घर को आए, तो उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है क्योंकि वो उनकी कैलोरी इनटेक जो है वो काफी हद तक कंट्रोल रहेगी, तो उससे उनका वेट लॉस
डजंट मीन कि आपका जो नॉर्मल बॉडी वेट है वो लॉस हो जाएगा, लेकिन आप ज्यादा नहीं खाएंगे तो जो आपका एक्सेस वेट गेन हो रहा है वो रुक जाएगा, ठीक है जी। देन रिड्यूस हेडेक एंड डिप्रेशन, इंपॉर्टेंट पॉइंट। समटाइम वो खाना अच्छे से डाइजेस्ट नहीं होता है, तो जब हमारे मतलब पेट में गैस ज्यादा होती है तो हमें हेडेक भी फील होती है, तो उस तरह से। और थर्ड चीज है ये कि ये कॉन्स्टिपेशन को फाइट करता है, तो उससे भी हमारी हेडेक जो है वो रिड्यूस होती है। देन रिस्क ऑफ स्ट्रोक, हार्ट स्ट्रोक जो कहते हैं, हार्ट अटैक जिसको कहते हैं, वो कम हो जाता है। हाई इन फाइबर, कंट्रोल ब्लड शुगर लेवल इन डायबिटीज, इंप्रूव्स डाइजेशन। जब कॉन्स्टिपेशन नहीं रहेगा तो डाइजेशन भी इंप्रूव होगा, अदरवाइज जो कॉन्स्टिपेटेड रहते हैं तो उनको क्या होता है, उनको भूख भी कई बार नहीं लगती है, ठीक है ना। तो उससे हमारा न्यूट्रिशनल हेल्थ जो है हमारी वो ठीक नहीं रहती, हमें कई न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज हो जाती है। अगेन थोड़ा सा कंपैरिजन है, नॉट कंपैरिजन आपके द्वारा से रागी और वीट का सेम वे। देन मिलेट विद राइस, अब हम सिर्फ वीट ही थोड़ी ना खाते हैं, कंपैरिजन करें हम तो कितना डिफरेंस आता है राइस और मिलेट में। आप प्रोटीन की बात करें तो डेढ़ गुना प्रोटीन ज्यादा है मिलेट में एज कम्पेयर टू राइस। फाइबर जो है 40 to 50 times ज्यादा है। देन मिनरल्स 5 to 10 times ज्यादा है। आयरन 10 to 20 times ज्यादा है। कैल्शियम 30 times ज्यादा है राइस से। तो अब ये सब कुछ जानने के बाद क्या लग रहा है हमें कि मिलेट्स जो हमारे डाइट में इंक्लूड किया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक्शन लिया है कि मिलिट्री के लोगों को, पैरामिलिट्री लोगों को, इनको इनकी डाइट में जरूर मिलेट इंक्लूड करो, तो क्या लगता है आपको कि ये सही एक्शन लिया है उन्होंने, ठीक किया है हमारे स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए? एग्री करते हैं आप सब लोग? तो खुश होके खाते हैं जब मैसेज मिलता है कि ऐसे इधर उधर फेंकते हैं कि कौन खा इसको, खाते हैं ना। बहुत अच्छी चीज है ये, बहुत जरूरी है खाना। इन सब की बिस्किट ब्रेड की तरफ जा रहे हैं, दिस इज द मच बेटर कि मिलेट्स प्रोडक्शन हमें बेनिफिशियल क्यों है। अभी हमारी सेहत को ही अच्छा नहीं कर रहा है ये हमारे किसानों को भी मजबूत कर रहा है। कैसे? ये फूड एंड फॉडर, फूड तो मिल गया इंसानों को, फॉडर मिल गया पशुओं को, ठीक है ना। तो पशुओं को भी ये भोजन दे रहा है अपने साथ, सिर्फ इंसान को ही नहीं मिल रहा है। और ये बाकी सीरियल्स के कंपेरिजन में जो हम अनाज उगाते हैं उसके से हम इसका अगर कंपेरिजन करें तो इसके लिए कम पानी चाहिए होता है। तो ये रेन फेड एरिया जहां पर गवर्नमेंट की इरिगेशन फैसिलिटीज नहीं पहुंच पा रही है ड्यू टू एनी रीजन, ये वहां भी ग्रो किया जा सकता है। और वहां के लोगों की जो आर्थिक स्थिति देंगे जो हमारे पास नहीं होता है, तो दोनों को फायदा हो रहा है, हमारी सेहत अच्छी हो रही है और उनकी आर्थिक स्थिति सुधर रही है। तो उस तरह से सब ग्रो कर रहे हैं, ग्रो फास्टर पुटिंग ग्रो। तो और उन्होंने भी इसके बारे में पढ़ा होगा, कोई थोड़े से मुझे बताएगा कि कैसे लेस स्ट्रेस होगा एनवायरमेंट के ऊपर? एनीवन, किसी के भी दिमाग में आती हो ये बात छोटी सी? इसमें केमिकल्स वगैरह पेस्टिसाइड्स का कम यूज होता होगा। वेरी राइट, क्योंकि ये जो इंसेक्ट्स हैं काफी इंसेक्ट्स को रजिस्ट करता है, काफी पेस्ट को रजिस्ट करता है, तो हमें ज्यादा केमिकल स्प्रे करने की जरूरत नहीं है। होता क्या है जब हम स्प्रे करते हैं ना तो अच्छे वाले इंसेक्ट भी मर जाते हैं उससे, तो कहीं ना कहीं हमारा जो इकोलॉजिकल सिस्टम है वो डिस्टर्ब होता है। तो उस तरह से ये हमारे एनवायरमेंट के लिए भी एनवायरमेंट फ्रेंडली है इसको ग्रो करना। ग्रो इन इवन मार्जिनल लैंड्स, और मार्जिनल लैंड्स वो जहां कुछ नहीं होता, रुकी सुखी लैंड जिसको बोलते हैं, आप वहां भी इसको डाल दो तो वहां भी उग जाएगा ये। देन कंप्लीट फूड एंड न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी, दोनों चीजें होंगी, जहां पर अनाज नहीं हो रहा वहां के लोगों को खाने को अनाज मिलेगा। कुछ एरियाज अभी भी ऐसे हैं कि वहां अनाज नहीं होता। देन विल सप्लीमेंट द एग्जिस्टिंग इनकम ऑफ द फार्मर्स, जो हमने पहले बात डिस्कस की कि उनकी आर्थिक स्थिति जो है वो मजबूत होगी। अब इम्पोर्टेंट क्यों है मिलेट ग्रो करना? वेरी लो वाटर रिक्वायरमेंट पहले हमने डिस्कस कर लिया, पूर सॉयल एरिया डिस्कस कर चुके हैं, वाइड रेंज ऑफ क्लाइमेट में होता है। अब कुछ एक मिलेट्स की बात, हम यहाँ हिमाचल में, यहाँ जैसे मैं यहाँ लोगों ने ग्रो करना छोड़ दिया, तो ये वैरायटी ऑफ क्लाइमेट में मिलेट्स जो है दे कैन बी ग्रोन। और बर्डन गवर्नमेंट के ऊपर सब्सिडी का बर्डन भी कम होगा, पेस्ट फ्री क्रॉप से, नॉट अफेक्टेड बाय
स्टोरेज पैसा हमको स्टोर भी करेंगे तो इसके ऊपर वो घून कीड़ा नहीं लगता है, तो लंबे इसकी मतलब की जो अपनी शेल्फ लाइफ है वो काफी लंबी है बाकी अनाज के कंपेरिजन में। एनवायरमेंटली सेफ है, देन हेल्थ बेनिफिट जो हमने अभी थोड़ा सा किया वो इन सभी का हम थोड़ा सा समअप कर रहे हैं जो भी हमने पढ़े ये न्यूट्री सीरियल्स। बेनिफिशियल डिटॉक्सिफाइंग बॉडी, तो हमारी बॉडी में जितने भी अनवांटेड केमिकल्स इकट्ठे हुए होते हैं, अब मैं उस सिंपल भाषा में वही बोल पाऊंगी, तो उसको ये बॉडी से बाहर करते हैं, कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करते हैं, ब्रेस्ट कैंसर जो पहले हमने मेलानोमा की बात की, देन टाइप 2 डायबिटीज को प्रिवेंट करते हैं, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करते हैं ये, और हार्ट डिजीज से हमें बचाते हैं, रेस्पिरेटरी कंडीशन एस्थमा जैसे के लिए भी बेनिफिशियल है ये, देन ऑप्टिमाइज किडनी लीवर एंड इम्यून सिस्टम हेल्थ। सबको मतलब इन नटशेल हम कहें तो हमारी बॉडी को ये हर तरह से प्रोटेक्ट करते हैं, हर तरह की बीमारियों से हमें बचाते हैं। थोड़े से एग्रीकल्चर के फैक्ट एंड फिगर हैं कि कितना नेटसोन एरिया है, कितने में ये ग्रो होता है और कितना ये कंट्रीब्यूट करता है एग्रीकल्चर को। देन नेक्स्ट पहुंच गए हम थैंक यू के ऊपर, आपने बहुत पेशेंसली सुना, अब कुछ एक आपके मन में अभी भी कुछ क्वेश्चंस होंगे, कुछ दिमाग में होगा कि क्या मतलब हमें ये लेना चाहिए अपने खाने में कि नहीं लेना चाहिए, भ्रम या थोड़ा सा क्लैरिटी हम उसके बारे में कर लेते हैं, तो प्लीज। क्या मैं मिलेट्स को आसानी से पचाया जा सकता है, डाइजेस्ट आसान है इसका क्या? प्लीज बैठिए। जैसे बाकी हमारे अनाज है जैसे गेहूं है, चावल हम खाते हैं ठीक है, या जौ है, तो उसी तरह से ये भी मिलेट्स हैं। थोड़ा सा इसका पकाने का तरीका वो अच्छा होना चाहिए, अच्छे से अगर इसको दलिया वगैरह अलग अलग रेसिपीज है वो हम उसके लिए एक अलग से लेक्चर भी करना पड़ता है, वो तो बड़ा इजी बात है, आप कहीं भी देख सकते हो, यूट्यूब पे देख लो इसके इसकी रेसिपीज, अदरवाइज आपके मेस में कैसे दे रहे हैं आपको मुझे थोड़ा सा बताएंगे आप? इन द फॉर्म ऑफ चपाती बना देते हैं, पराठा बना देते हैं, कई बार हलवा बना देते हैं, या कई बार जो है चाट वगैरह या दूसरे जो दलिया टाइप का इस टाइप का बनाते हैं। एक्चुअली वो ये ना कुक करके रोस्ट करके, तो सेम वे इसको भी पका के जब हम खाएंगे तो ऐसा कुछ नहीं है कि ये नहीं पचेगा, अच्छे से पचेगा। हाँ, हमारी वाटर इनटेक ठीक रहनी चाहिए कि पानी, अदरवाइज भी हमें जो है वो पानी जो है वो ठीक से लेना है, मतलब खाने के साथ ही आगे पीछे, तो आप निश्चिंत रहिए ये अच्छे से पचेगा, आप इसको अपने आहार में बस शामिल कर लीजिए। कोई और? यस चैन मैम, मौसम में भी खाया जा सकता है। हम देखो अभी स्लाइड्स देखे थे, आप सबने देखा होगा प्रोजेक्टर के ऊपर स्क्रीन के ऊपर है ना, कि हम कंपैरिजन भी कर रहे थे वीट के साथ, तो क्या हम गेहूं जो है सर्दी में खाते हैं? नहीं ना, हर सीजन में खाते हैं हम, राइस जो है हर सीजन में खाते हैं, ये भी अनाज है हर सीजन में पचाया जाता है। ये हमारी एक भ्रांति है कि गर्मियों में से गर्मी होगी, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, वैसा ही इसमें वही न्यूट्रिएंट्स हैं जो वीट में है और राइस में है, वही प्रोटीन है वो चने से बनता है, तो वो क्या इसमें श्रीअन्न में ले सकते हैं क्या? वो नहीं आता है, नहीं चना तो जो सत्तू है वो भी गर्मियों में बहुत ज्यादा ले सकते हैं, उसके बाद वो पानी पीते हैं, ज्यादा पानी पीने बिल्कुल बिल्कुल सेम एज मुझे लगता है सीरियल जो है वो भी एक्चुअली है तो सीरियल अनाज ही है ना, श्रीअन्न का नाम दे दिया है तो अनाज की टाइप्स है ना, ऐसा तो कुछ नहीं है, इसको बड़े आराम से सर्दी गर्मी बरसात हर मौसम में हम उसको अपने भोजन में शामिल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। जय हिंद। क्या बीमार व्यक्ति भी इसका सेवन कर सकता है? प्लीज बैठिए। अब है ना तो हम उसको खिचड़ी देते हैं ना, वो किस चीज की बनती है? चावल की ना, दाल की, तो वैसे ही सेम दे सकते हैं, बाजरा का दलिया बना के दे सकते हैं, पकाना अच्छे से है, सॉफ्ट। अब कई बार बीमारी ऐसी होती है ना कि उसको इंजेस्ट करना मुश्किल होता है, अंदर जैसे घुटते हैं हम है ना खाना खाते हैं, तो उसकी कंसिस्टेंसी वो ज्यादा मैटर करती है कि बीमारी किस टाइप की है, ठीक है? तो ऐसे दे सकते हैं, बीमारी में भी दिया जा सकता है, बस
खिचड़ी फॉर्म में देना होगा। ठीक है, क्या मिलेट्स खाने से स्वास्थ्य संबंधी समस्या तो नहीं होगी? बिल्कुल भी नहीं होगी, बी श्योर। जो मैंने अब थोड़ा थोड़ा आप लोगों के साथ, ज्यादा तो नहीं बोलूंगी, बहुत समय भी कम है, तो थोड़ा थोड़ा मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया, कोई भी समस्या नहीं होगी। समस्याएं दूर होंगी, जो है वो दूर हो जाएंगी, लेकिन होंगी नहीं कोई भी समस्या। हाँ जी, कुछ और तो नहीं? जैन मैम, जैन, क्या बच्चे और वृद्ध भी इसका सेवन कर सकते हैं? हाँ जी, कर सकते हैं। हम बच्चों को भी चावल के दलिया भी देते हैं बच्चों को। हाँ, थोड़ा बच्चा बड़ा, 7 से ऊपर होना चाहिए। ठीक है, 7 से छोटे बच्चे को थोड़ा दोगे तो वो वैसे ही नहीं खाएगा, उसको तो वैसे खिलाना थोड़ा मुश्किल होता है, उसको तो उस टाइप से खिलाना पड़ता है, बहुत ही कंसिस्टेंसी देखनी पड़ती है बच्चे के खाने की ना। पर हाँ, दे सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, सबको दे सकते हैं, बच्चों को भी बड़ों को भी। व्याख्यान के अंत में हम सभी इस बात से अवगत हुए कि मिलेट्स एक स्वास्थ्यपूर्ण अनाज है जिसका सेवन स्वास्थ्य को बनाए रखने में मदद कर सकता है। ये अच्छे पोषण तत्वों का स्रोत होते हैं और विभिन्न स्वादिष्ट डिशेज में शामिल किए जा सकते हैं। इसलिए अपने आहार में मिलेट्स को शामिल करके आप अपने स्वास्थ्य को बेहतर बना सकते हैं और स्वस्थ जीवन जी सकते हैं।